इसमें हमने सिकेंट मेथड से रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन सिकेंट मेथड। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यूज द सिकेंट मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन ई रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि हमें मालूम है कि हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन जो दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। सो वी राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री एक्स। अब सेकेंड मेथड में हमने देखा था कि यहां पर हमें दो अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गेस करने होते हैं, जहां पर जो फॉर्मूला होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ रेगुलर फॉल्सी मेथड फॉर्मूला। सिर्फ कंडीशन ये है कि वहां पर हम चेक करते थे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन जीरो, मीन्स अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो हम ए को चेंज करते थे, पॉजिटिव आता है तो बी की वैल्यू चेंज करते थे, उसको हम एक्स की वैल्यू से रिप्लेस करते थे। यहां पर ऐसा नहीं है, हर बार हमें क्या करना है, वैल्यू को रिप्लेस करते जाना है। ए की वैल्यू बी से रिप्लेस हो जाएगी और बी की वैल्यू एक्स से रिप्लेस हो जाएगी फॉर गेटिंग द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो इनिशियल गेसेस लेने हैं। सो वी टेक एक्स जीरो, यहां पर हम एक्स जीरो एक्स वन बोल रहे हैं, वहां पर हम ए और बी बोलते थे उसे, ठीक है। शुरुआत में हम एक्स जीरो एक्स वन लिखते हैं, बाद में उसको टू यूज द सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हम उसे ए और बी चेंज में चेंज कर देंगे। सो एक्स जीरो इज इक्वल टू, अगर हम जीरो लेते हैं तो बाय पुटिंग जीरो इन दिस इक्वेशन ई रेस टू पावर जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो, जो कि आपको पूरा इक्वेशन कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर को रेडियन मोड में सेट करना है, तो कैलकुलेटर में हमें वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू वन। एंड अगेन जब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन लेते हैं दैट इज आवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सो वी गेट एफ ऑफ एक्स वन दैट इज एफ ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.281718175। और एक वैल्यू निगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मीन्स द रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, क्योंकि माइनस और प्लस, माइनस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ये हमने शुरुआत से देखा है, थर्ड यूनिट में हमने जो लिए थे ब्रैकेटिंग मेथड, उसमें एक कंसेप्ट हमने समझा था कि क्या होता है, ठीक है। हेंस आवर इनिशियल गेसेस ऑफ द रूट इज एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स वन इज इक्वल टू वन, एंड सो वी अज्यूम एक्स जीरो इज इक्वल टू ए एंड एक्स वन इज इक्वल टू बी, सो दैट हमारा जो फॉर्मूला है वो रेगुलर फॉल्सी मेथड जिससे हम फेमिलियर है उसी फॉर्मेट में आ जाए, है ना। सो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सिकेंट मेथड, सिकेंड मेथड का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा एक्चुअली एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए था एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ए, ए मीन्स क्या होता है हमारा एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन। तो उसी को हम ए और बी के फॉर्मेट में लिख रहे हैं बिकॉज वी आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। जो फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था हमारा एक्स जीरो एक्स वन, हम उसे ए और बी बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट सबसिक्वेंट अप्रोक्सीमेशन में भी क्या हो जाएगा, जो हमारे ए और बी होंगे वो रिप्लेस होते जाएंगे वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा ही है हमने वी आर ए इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड बी इज इक्वल टू एक्स वन, मीन्स ये एक्स एन माइनस वन है और ये एक्स एन है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट अवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ ए हमें वन मिलता है, बी वन मिल रहा है, बी वन लिया हमने तो एफ ऑफ बी ये वैल्यू मिली है। ये सभी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करने के बाद दैट इज एक्स नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स जीरो है, एक्स वन है, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये क्या होगा एक्स टू, दैट इज अवर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन एक्स टू, हम एक्स ही लिख रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन एक्स टू आ जाएगा, जहां पर हम इसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं क्योंकि हम इसे ए और बी कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 0.78020271171, ठीक है। अब रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम क्या करते थे, ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो हम ए को एक्स से रिप्लेस करते थे, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बी को एक्स से रिप्लेस करते थे। यहां पर वो कंडीशन नहीं लगाना है, हमें क्या करना है ए को बी से रिप्लेस करना ही है, ये वैल्यू निगेटिव आए या पॉजिटिव आए
और b को x से रिप्लेस करना है, तो a को b से रिप्लेस करेंगे तो b क्या था पहले अप्रोक्सीमेशन में 1 था, यहाँ पर a 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, ये जो x की वैल्यू आई थी ये b हो जाएगी, और इसके हिसाब से हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। तो एफ ऑफ ए ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो हमारा एफ ऑफ बी था है ना, वो यहाँ पर एफ ऑफ ए हो जाएगा, एफ ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा, एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला अगेन वी गेट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स थ्री इज इक्वल टू दिस वन। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन में फिर से ए को बी से रिप्लेस कर देंगे, बी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, जो नया हमें एक्स मिला है, एक्स सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। एफ ऑफ ए जो रहेगा प्रीवियस केस में जो एफ ऑफ बी था वो यहाँ पर एफ ऑफ ए हो जाएगा, और एफ ऑफ बी हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन टू द फॉर्मूला वी गेट एक्स इज इक्वल टू 0.635952 4। अगेन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, ए की वैल्यू बी से रिप्लेस हो जाएंगी, बी यहाँ पर था ये वैल्यू 0.49667861 यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये जो नई एक्स की वैल्यू आई है 0.635952 4 7 ये बी की वैल्यू हो जाएगी। इस पर से ही हमें ए वैल्यू पुट करके एफ ऑफ ए मिल जाएगा, बी वैल्यू पुट करके एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, जो यहाँ पर एफ ऑफ बी था वो यहाँ पर एफ ऑफ ए हो जाएगा। एफ ऑफ बी हमें नया हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन इक्वेशन में आपको बी की जगह पर क्या वैल्यू पुट करना है, एक्स की वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ बी आ जाएगा। एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला अगेन वी गेट एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम ये दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 0.63 आ रहा है, यहाँ पर 0.62 आ रहा है, मतलब सिंगल प्लेस ऑफ एक्यूरेसी तक के रिजल्ट तो ठीक है 0.6 0.6, लेकिन एटलीस्ट टू प्लेसेस थ्री प्लेसेस तक हमें ट्राई करना चाहिए। सो वी मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, ए की वैल्यू बी से रिप्लेस हो जाएगी, बी की वैल्यू एक्स से रिप्लेस हो जाएगी, एफ ऑफ ए जो प्रीवियस केस में एफ ऑफ बी था वो यहाँ पर एफ ऑफ ए बन जाएगा, एफ ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यू अगेन इनटू द फॉर्मूला वी गेट एक्स इज इक्वल टू 0.619040269 5। फिर से सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में ए की वैल्यू बी से रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पर बी था 0.019036 वो यहाँ पर आ जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी वो, ठीक है, जो बी की वैल्यू थी ये थी 0.62056039 12, वो ए की वैल्यू हो जाएगी, जो नया एक्स आया है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। एफ ऑफ ए हमारा वो रहेगा जो इधर एफ ऑफ बी था, और एफ ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना है बाय पुटिंग दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। सो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, और ये सभी वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वी गेट 0.619061312 4। अब ये दोनों को कंपेयर करते तो हमें मिलता है 6190.6190 0.6190 0.6190, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, तो 4 प्लेसेस ऑफ डिजिट्स इन फिफ्थ एंड सिक्स अप्रोक्सीमेशन, 4 डिजिट्स आर सेम है ना, पॉइंट के बाद की 4 डिजिट सेम है तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं। एंड वी राइट हेंस आफ्टर सिक्स इटरेशन या फिर वी से सिक्स अप्रोक्सीमेशन वी हैव लास्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स सेम अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी, एंड हेंस वी राइट अवर अप्रोक्सीमेट रूट इज 0.6190। हमें क्या करना है 6190 तक लिखेंगे क्योंकि जो फिफ्थ डिजिट है यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर भी चेंज है, इसलिए हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिला है, यहाँ पर एग्जैक्ट रूट नहीं मिला है। अगर लास्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स एग्जैक्टली सेम आ जाती है देन वी राइट द एग्जैक्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसी पर बेस्ड मैंने असाइनमेंट आपको दिया है, इस दो प्रॉब्लम है इस असाइनमेंट में, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन यूजिंग सेकेंड मेथड, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन के लिए दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और आफ्टर फाइंडिंग द टू अप्रोक्सीमेशन x0 एंड x1 जिसे आप a एंड b कहेंगे, सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फालसी मेथड जो कि सेकेंड मेथड का भी फॉर्मूला है। सिर्फ चेंज क्या करना है आपको, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने के बाद जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में आप जाते हो तो रेगुलर फालसी में आपको कंडीशन लगाना होता है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, मीन्स अगर रिजल्ट आपका एक्स का रिजल्ट निगेटिव आया है तो आप ए को चेंज करते हो,
पॉजिटिव आया है तो बी को चेंज करते हो, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं लगानी है। आपको ए की वैल्यू बी से रिप्लेस करना है और बी की वैल्यू एक्स से रिप्लेस करना है टू फाइंड द सब्सिक्वेंट अप्रोक्सीमेशन। इस तरह से आपको दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड जो भी है हमारा लेक्चर में हम देखेंगे। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो हम वो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।